गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि आज एक जगह को एक्सप्लोर करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे भी नहीं मालूम कि आज का सफर हम लोग का कहाँ होगा, तो चलो फ्रेश होते हैं। वेलकम गाइस, हेलो, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल फोर फूडी ब्लॉगर पे, जो कि आज हम लोग जाने वाले एक एडवेंचर टूर पे। तो वीडियो में काफी तबाही मचने वाला है, वीडियो को एंड तक बने रहे। तो अभी बच चुका है 8 और वक्त भी काफी निकल चुका है। वो रहा हम लोग का CMW। एक्चुअली गाइस कुछ दिनों से हम लोग का CMW का रिपेयरिंग चल रहा था, तो अब जाके हो गया हम लोग का सफर के लिए CMW रेडी। तो चलो चलते हैं। तो अब आ चुके रसन भाई के घर, उसे मैंने बुला दिया है। आ गया है। अरे भाई ना जल्दी। हाँ तू बस निकल। तो गाइस हम लोग ने भाई लोगों को भी आगे आने का खबर दे दिया था, शायद वो लोग भी निकल चुके हुए, काफी लेट हो गया था, थोड़ा गाली भी सुनने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं। तो वो रहा भाई लोग, हम लोग का अपना जुगाड़ के साथ रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का, तो बहुत लेट भी हो चुके हैं। तो भाई चले, चलो काफी देर हो गया अभी। तो फिर जाने से पहले हम ले लेते कुछ सामान, क्योंकि आते आते काफी वक्त भी लग सकता है। मेट 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 कैसा है जी भैया? 280। तो फिर हम लोगों ने ले लिया यहाँ से मीट, तो चलते हैं यहाँ से। तो फिर सारा सामान लेके रेडी है, अब हम लोग जाने के लिए तैयार है। तो तेल? रुक भाई, तो तेल लेने भूल गया था हम लोग, अभी तेल लेने जा रहे। तो यहाँ जाके हमने तेल ले लिया है, फाइनली हम लोगों ने तेल भी ले लिया, अब जाके यहाँ से हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है। तो कैंप पास का नाम सुनते ही आप लोगों को काफी शोर शराबा वाला ख्याल आ रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये एक पिकनिक स्पॉट है, जो कि यहाँ में लोग दिसंबर जनवरी को आना पसंद करते हैं। फिलहाल तो दिसंबर जनवरी नहीं है, तभी भी हम लोग आप लोगों के लिए वो जगह कैंपस मतलब जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हम लोग का दोस्त लोग बहुत ही आगे चल चुके हैं, उन लोग को वेट करने के लिए बोला है मैंने, बहुत ही आगे। हम लोग थोड़ा सामान तेल लेने में थोड़ा देर हो गया, बहुत ही एक्साइट फील हो रहा है वहाँ में पहुँचने के लिए, बहुत ही मतलब मजा लग रहा है जाने में, जाने में दोस्त लोग के साथ। देखिए गाइस, तो बहुत ही अच्छा से धान लगा है इधर के किसान लोग। हम लोग बरमुड़ा रिजर्व पे पहुँचे, यहाँ से अभी 2 किलोमीटर दूर होगा है कैंपस, तो चलिए आगे चलते हैं। तो कैसा लग रहा है इस जर्नी में, कुछ बताइए दोस्त सब। दो लफ्स, काफी गर्मी है, धूप भी बहुत, मौसम भी बहुत कड़ा है आज का, इसलिए तो काफी गर्मी भी लग रहा है। और हफ्ता दिन जैसा अभी बारिश भी गिरा था, उसके बाद जाके आज धूप दिया है, मुझे साइकिल भी चलाना पड़ रहा है क्योंकि ये तो ब्लॉग शूट कर रहा है। मैं हम लोग का रिपोर्ट, हम लोग का दोस्त लोग भी मिल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके थे ये लोग, तो फिर से मिल गए हम लोग। नयन भाई आपको क्या फीलिंग आ रहा है इस जर्नी में, तो कुछ दो लफ्ज बताना चाहेंगे? काफी इंटरेस्टिंग है कि आगे आगे हर वीडियो जैसा कोई वीडियो भी पसंद आए। और हम लोग का रिपोर्ट भाई, तो स्कूटी एक सब्सक्राइबर का स्कूटी में चढ़ गया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ में। काफी दिनों से हम लोग ब्लॉग नहीं दे पा रहे थे गाइस, बारिश काफी था, और आप देख सकते हैं कि धूप की वजह से भी हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी भी 1 किलोमीटर दूर है कैनोपास, तो हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग का एक सब्सक्राइबर मिल गया था इस रास्ते में, तो कैसे है भाई आप? ठीक है। यहाँ से शुरू होता है हम लोग का ऑफ रोडिंग, तो देख सकते हैं काफी हद तक ऑफ रोडिंग है इधर में। तो हम लोग का सुमिरन भाई का हालत बहुत ही खराब हो चुका है यहाँ तक आने में, क्योंकि काफी हद तक गर्म भी। हम लोग डेस्टिनेशन में पहुँचने वाले हैं, तो पहुँचते हम लोग को एक सब्सक्राइबर मिल गया, जो कि हम लोग का बहुत ही पुराना सब्सक्राइबर है, हम लोग को बहुत आगे से सपोर्ट किया है। तो भाई कुछ शर्मा रहे भाई हम लोग का, कुछ बोलना चाहेंगे आप हम लोग को फैन के बारे में? तो ये बांध पार होके हम लोग का डेस्टिनेशन आएगा,
तो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे आ पहुंचे। तो देख सकते हैं इधर में हम भीतर जा रहे हैं, अभी अंदर जा रहे हैं। तो क्या है क्या नहीं है अंदर में पता चलने वाला है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो आगे भी हम लोग यहाँ में आते थे, जहाँ में हम आगे में आके पार्टी करते थे, वो जगह मतलब पूरा पानी से भर चुका है। अभी हम लोग वो जगह नहीं, कुछ दूसरा लोकेशन जाएंगे। और हम लोग जहाँ में आगे पार्टी करते थे वो जगह भी दिखाएंगे आप लोग को कि कितना पानी भर चुका है। तो अभी हम लोग जहाँ में हम लोग बनाने वाले हैं, खाने वाले हैं, तो वो प्लेस हम लोग का दोस्त लोग अभी ढूंढ रहा है। गाइस काफी जगह खोज लिया हम लोग ने कि हम लोग कहाँ पे अपना खाना बनाने वाले हैं, पर आगे जो हम लोग का परमानेंट जगह था वो अभी चेंज हो गया। अभी देख सकते हैं कि पानी किस हद तक बढ़ चुका है। व्यू काफी अच्छा है, पर आप इसका सामने जाने का प्रयास मत करना कभी भी अगर आए तो। तो भाई सब ने भी उधर खोज रहे हैं जगह, तो चले आखिर कौन सी जगह वो लोग ने तलाश की है। तो फाइनली गाइस हम लोग ने रेडी कर लिया है कि हम कहाँ पे खाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने कर दिया अभी यहाँ पे CMW को पार्क, तो आगे देखते हैं अभी। तो आते आते हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो देखते हैं इसका पीछे में क्या है क्या है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, जो कि असम के सबसे बड़ा नदी है। इस नदी को लेके हम लोग का असम का पापोंदा और बहुत ही ऐसे बॉलीवुड का एक्टर सब ने गाना गाया था। तो हियर इज डिब्रू साइखा नेशनल पार्क, जो कि व्हाइट हॉर्स के लिए फेमस है असम में। तो नोटिस को लोगों को तो पता ही होगा कि ये डिब्रू साइखा नेशनल पार्क क्यों फेमस है, तो व्हाइट हॉर्स इसका वजह है। तो देख सकते हैं आप इधर से व्यू बहुत ही अच्छा दे रहा है। तो वहां में बादल उदल, वाओ। तो हम लोग का भाई बहुत ही कोशिश कर रहे है, पर ये आग जलने का नाम ही नहीं लेता है, पर जला लिया हम लोग का भाई ने। कोई नहीं, आग तो जल ही लेगा। मैंने बताया था कि एक पिकनिक स्पॉट है, तो लोग यहाँ पे दिसंबर जनवरी को ही आना पसंद करते हैं। फिलहाल तो अभी अगस्त चल रहा है, तो हम लोग अभी तो हम इस जगह में हम अकेले हम चार लोग ही सिर्फ है। तो आप लोगों के लिए इतना तो बनता है इधर में आने के लिए, इधर पे आपको व्यू दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं इधर का व्यू आप लोग। दुखद घटना गाइस, बहुत ही दिल टूट गया हम लोग का आज में, देख लीजिए। तो गाइस आप लोग ने देखा था कि हम लोग का खाना किस तरह से गिर गया था, मीट बहुत बुरा भी लगा, फिर उसको जुगाड़ करके मैनेज करके जिसे भी उसको हम लोग ने खाने लायक का बना दिया है। इधर में देखा तो दुखद कहानी, यहाँ में अभी थाल नहीं है इसलिए अभी इधर में हम लोग, तो अभी बस्ता में भी हम लोग लेके खा रहा है बस। तो गाइस देखिए हम लोग का गाँव का खाने का स्टाइल आप लोग। ये देखिए, ये देखिए मर्चा मर्चा, ये देखिए, ये देखिए मर्चा। ये देखिए गाइस न्यू जमाने का थाली। एक बार नमक लगा के नमक खा के दिखा दे भाई, कुछ बोल दो। आम खाएगा, आम आम खाएगा, आम खाओ। जैसे कि गाइस आप लोग ने देखा कि हम लोगों ने खाना भी खा लिया, कुछ अनोखा स्टाइल से खा के देखा है आप सभी को। भाई लोग भी थक चुके हैं, थोड़ा फोटो शूट ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। पानी से तो बिल्कुल नहीं डरते हैं लोग, देखिए पानी का जल पड़ा है लोग। जब भी कभी बारिश देगा तो इसका अंदर में आ जाइएगा आप, जरा से भी पानी की बूंदी आपके शरीर पे नहीं गिरेंगी।
बहुत बुरी हाल हो चुकी है गाइस कैंपस का, तो आप देख सकते हैं इधर में पानी का लहर कैसे से मिट्टी को गिरा दे रहा है। तो इधर में आना बहुत ही खतरा साबित हो सकता है, तो आप लोगों को मैं साइड साइड से दिखाने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग देखिए इधर में, तो ये बास देखिए मिट्टी से उधर चला गया है। गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को हम लोग का आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे साथ कीमती समय बिताने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।